श्री गिरिराज जी महाराज के जयकारों से गुंज उठी छोटी काशी। श्री गिरिराज जी गोवर्धन महाराज जी का पर्व हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। अन्नकूट भंडारे के आयोजन भी किए गए। श्रद्धालुओं ने अन्नकूट भंडारे का प्रसाद ग्रहण का लुफ्त उठाया। यह पर्व दीपावली के बाद मनाया जाता है। इस पर्व पर घरों घरों में गिरिराज जी गोवर्धन महाराज के गोबर से आकृति बनाई जाती है। शाम को वेद शास्त्रों के अनुसार विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। सुख समृद्धि विश्व शांति की कामना की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने गायों को फूल माला पहनाकर गायों को गुड़ चारा खिलाकर पूजा अर्चना की गई। शाम को भक्तजन घर घर जाकर भजन संध्या करके गोवर्धन महाराज से प्रार्थना की हर घर में सुख समृद्धि हो। बताया जाता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने इंद्रदेव का घमंड चूर चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाकर सभी ग्रामीण वासियों की रक्षा की। श्री कृष्ण भगवान का यह दृश्य देखकर इंद्रदेव ने श्री कृष्ण भगवान से क्षमा याचना मांगी। देखिए बुलंदशहर से रविन्द्र कुमार के साथ योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। मैडम, आज श्री गोवर्धन महाराज जी की पूजा घर घर हो रही है। दीपावली के बाद में हमेशा होती आई है प्राचीन काल से, और ये पूजा छोटी काशी नहीं पूरे भारत में धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ये पर्व। इस पर्व पर आप क्या कहना चाह रही हैं? मेरे सभी देशवासियों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई, और मैं प्रार्थना करती हूँ गोवर्धन महाराज से कि मेरे देश में सुख समृद्धि, और देश में ही नहीं वरन पूरे विश्व में सुख समृद्धि बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें। सबसे बड़ा पहलू तो मैं ये देखती हूँ कि जहाँ हमारी संस्कृति दूर होती चली जा रही है, गाँव से दूर होती चली जा रही है अपनी मिट्टी की खुशबू से, तो आज गोवर्धन पूजा के बहाने ईश्वर की कृपा के साथ साथ हमें अपनी मिट्टी से अपनी परंपराओं से जुड़ने का बहाना भी मिलता है और ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलता है। जैसे गोवर्धन महाराज ने सुख समृद्धि के साथ गोकुल की रक्षा करी, वैसे ही हम उस दिन याद करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं कि हमारे देश पर पूरी मानवता के लिए अपनी कल्याण और छत्रछाया बना के रखें। तो इस गोवर्धन महाराज जी के लिए कोई एक गाना प्रसिद्ध है आपके द्वारा? ज़्यादा तो मैं नहीं गा सकती, पर हाँ थोड़ा सा अपने सभी देशवासियों के लिए कुछ लाइन गुनगुना देती हूँ। सुनो कन्हैया बांके बिहारी, सुनो कन्हैया बांके बिहारी, लाज रखेगा मेरी तू ही, तू जाने तेरा काम जाने। मैं तो गई वृंदावन काशी, मैंने कुछ नहीं पाया, लौट के आई घर अपने, तब मंदिर में बैठे तुझे पाया। देखा मैंने, क्या देखा, सांवली सुरतिया मोहनी मुरतिया, सांवली सुरतिया मोहनी मुरतिया, अटलट है घुंघरारी, तू जाने तेरा काम जाने। लाज रखेगा मेरी तू ही, तू जाने तेरा काम जाने। बोल बांके बिहारी लाल की जय।